सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त की बड़ी खबर, समस्तीपुर के धर्मपुर पंजाबी कॉलोनी में साधना देवी विद्यापीठ स्कूल में के कैंपस में मेडास हॉस्पिटल की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। एक दिवसीय इस जागरूकता शिविर में काफ़ी तादाद में लोग इलाज के लिए पहुँचे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद मरीजों की है। आइए मरीजों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे आए हुए बहुत सारे मरीज। क्या नाम हुआ चाची? आमना खातून। कहाँ से आए हैं? धर्मपुर से। किस लिए आए यहाँ पे? फीवर आता है, सांस में खराब है, सांस लेने में दिक्कत होता है। तो डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ फ्री कैंप चलाया जा रहा है? जी, डॉक्टर साहब के यहाँ पर फ्री कैंप चला रहा है। ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि मेडास हॉस्पिटल न्यूरो एवं मल्टी स्पेशलिटी के लिए खास करके जाना जाता है। ये पटना में है और गया घाट के पास में ही है। इस शिविर में मेडास हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम जो है वो अपने अपने कामों में लगातार लगे हुए थे। अपनी अपनी जगह को अच्छी तरह वो आने जाने वाले जो मरीज थे उनको सिस्टमेटिक ढंग से सारे लोगों को देखने का काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का जो है डॉक्टरों की जो टीम है उन नाम लिखने के बाद पुर्जा बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आगे जो बीपी चेक करने वाले जो डॉक्टर्स की जो टीम बैठे हुए हैं वो लोग भी मरीजों को बीपी टेस्ट करके फिर आगे की ओर फॉरवर्ड करते थे। अब देख सकते हैं इस वीडियो। पैर डाला, ठीक है, 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 इधर आप देख सकते हैं डॉक्टरों के टीम के द्वारा मरीज को जो है उनका पुर्जा देखकर उनको दवा लिखते हुए। और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों की जो है टीम है अपने अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और ये एक बुज़ुर्ग का इलाज कर रहे थे अभी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने डॉक्टर जेड आज़ाद साहब मौजूद हैं और उनके अगल बगल में डॉक्टरों की टीम अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और मरीजों से उनका पुर्जा देखकर उनको दवा लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने। और मैं आपको बता दूं कि धर्मपुर के रहने वाले शारिक रहमान उर्फ लवली जी भी मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि जेडीयू के ये नेता हैं और जेड आजाद डॉक्टर साहब इस वक्त जो है मरीजों को पूछ रहे हैं, उनसे हाल चाल जान रहे हैं। उनका पुर्जा देखने के बाद उनको दवा लिखेंगे। इसी बीच समस्तीपुर जिला के सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जिला भर के ज़्यादातर पत्रकार यहाँ पर दिखे और इस निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का कवर करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, सभी चैनल, सभी अखबार, सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेडास हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ पे सभी पत्रकारों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे कोशिश की है कि एक स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम करें, कैंप लगाया है समस्तीपुर में। और चूंकि मेरी मतलब इब्तदाई तालीम यहीं से हुई है तो हम लोग कहा था कि यहाँ पे करें कैंप, इसी के तहत हम लोगों ने किया।
और इस कैंप में तो हम लोगों ने बेसिक तौर पे कोशिश की है लोगों में जागरूकता पैदा किया जा सके। अभी कोरोना की वजह से हम लोग ने देखा कि कितने लोगों की जान गई है और तीसरी वेव की भी जो वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि लोगों को जागरूक कर सकें कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं। जो लोग एक तरह से इत्मीनान हो गए थे कि सेकेंड वेव गुजर चुका है, कुछ नहीं होगा, तो मतलब सावधानी हम लोगों ने बरतना शुरू कर दिया फिर से कोई स्टार्ट करें। दूसरी बात के स्ट्रोक भी जो वर्ल्ड में डेथ का सेकंड थर्ड लीडिंग कॉज है, उससे भी बचाव के लिए लोगों को खास करके इस सर्दी के मौसम में बहुत तेजी से हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो उससे बचाव के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज है, खास करके न्यूरोलॉजिकल डिजीज, उससे रिलेटेड लोगों को हम लोगों ने जागरूक करने के लिए ये कैंप किया और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो कि स्ट्रोक का इम्पोर्टेंट कॉज है। तो हम लोग जो अब तक का कैंप चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को लेकर के घूम रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है, और स्ट्रोक जो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, मुझे लग रहा है कि इस तरह कैंप से लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और जिससे बहुत सारे इंसिडेंट जो स्ट्रोक हो उसे हम लोग कम कर सकते। डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में भी इस तरह का कैंप यहाँ पर लगाएंगे? हाँ, हम लोग कोशिश रही है कि बिहार के जगह जगह पे जा करके लोगों में जो खास करके न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ट्रॉमा है, उससे लोगों में जागरूकता पैदा कर सके। देखा है कि स्ट्रोक हो या ट्रॉमा हो या हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज, सब प्रिवेंट किया जा सकता है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करके बहुत सारी डिजीज जो है आने से पहले हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा जगह पे जाकर के अपनी टीम के तौर लोगों को इन्वॉल्व करके, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सामाजिक वर्कर है, जो मीडिया वाले हैं, सब लोगों को मिला जुला के ये लोगों में ज्यादा स्प्रेड करें इस मैसेज को कि कैसे प्रिवेंट किया जा सके डिफरेंट डिजीज को। देखिए, स्ट्रोक का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा करके, और अब मोटापा है खास करके एब्डोमिनल दर्द जो है उसे कम करके, उसके अलावा जो जो अपने खाने पीने की चीजें हैं उसमें फैटी चीज को अवॉइड कर सके, हम लोग स्ट्रोक के इंसिडेंट्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि सेकेंड वेव से जो हम लोगों ने मैसेज और एजुकेशन जो लिया था और हम लोगों ने देखा जो उस सेकेंड वेव को जो बहुत कठिन हो पाया था, लोगों की जो मास वैक्सीनेशन भी हुआ था उसे कंटिन्यू करना है। स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, उसे कंटिन्यू करना है, और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है कोरोना के लिए उसे कंटिन्यू करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है, खुद भी जागरूक रहें और दूसरे को भी जागरूक करें। नाम और पद बताइए। डॉक्टर जैद आजाद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मिडास हॉस्पिटल, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ। मिडास हॉस्पिटल बेसिकली एक न्यूरो एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ 24/7 न्यूरो एंड ट्रॉमा पे हम लोग काम कर रहे हैं और हर तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिसे हम लोग बिहारवासी सुविधा के अभाव में पटना से बाहर जाते थे, हम लोग कोशिश है कि वो सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सके और बहुत हद तक बिहार के अंदर जागरूकता शिविर लगा कर लोगों में बेसिकली जो प्रिवेंटेबल डिजीज है अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में डिजीज स्टार्ट होने से पहले ही पता चल सके और वो भी तो उसे अर्ली स्टेज में पता चल सके कि कैसे प्रिवेंट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस निशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर को कवर करने पहुँचे मीडिया कर्मी को मिडास हॉस्पिटल के सौजन्य से बारी बारी उनको गिफ्ट से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि वहां मौजूद जदयू नेता शारिक रहमान लवली, हाजी बशीर साहब, मोहम्मद इश्तियाक अहमद, नन्ने खान, डॉक्टर ए वी अली, मोहम्मद सद्दाम, इन सभी लोगों को भी गिफ्ट देकर
मिडास हॉस्पिटल की तरफ से मनीष कुमार सिंह के द्वारा, जो कि वहाँ के मैनेजर हैं, उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर शाहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जनता की आवाज़ आप तक के नाम से इसे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप YouTube पर देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि देश दुनिया की ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।